हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपका लास्ट एडियरी में जो आपका ग्रेजुएट लेवल में ड्राइवर पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसी का आंसर की लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। हमने पूरा टाइम लगाया, हमने पूरा रिसर्च किया, हमारे टीम ने रिसर्च किया, तो थैंक यू सो मच टू आवर टीम। और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं सलीम सर, बैठे हुए हैं जो आपका इंग्लिश सेक्शन और जीएस सेक्शन लेंगे। बाबलू सर इज़ आउट ऑफ स्टेशन, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि वो सर इंग्लिश और जीएस सेक्शन लेंगे। एंड आई विल बी कवरिंग योर मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन। और लास्ट जो ग्रेजुएट लेवल में जो हमने आंसर की प्रोवाइड किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वी कुड रीच मोर देन 3 लाख प्लस व्यूज़ इन फेसबुक एंड 30,000 प्लस व्यूज़ इन यूट्यूब। अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप फेसबुक से अगर हम आपसे जुड़े हुए हो तो आप प्लीज़ डू लाइक दिस पेज, ताकि यू नो हम आपसे जुड़े रहे। और यहाँ पे फिर हम आपका आंसर की लेने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आंसर की लेने में हमें थोड़ा डर सा भी लगता है, क्योंकि यू नो वी आर ह्यूमंस एंड वी मेक मिस्टेक्स, यू नो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो अगर कहीं पे अगर हम गलत करें तो प्लीज़ डू पार्डन अस, एंड यू नो दैट इज़ नॉट बीइंग ऑफिशियल। ऑब्वियसली ऑफिशियल आंसर की सेवा ही रिलीज़ करेंगे, तो वी माइट मेयर बी रॉन्ग समवेयर, बट विथ योर हाइनेस, विथ योर ग्रेटिट्यूड, प्लीज़ डू कंसिडर अस। So I'll request Salim sir to start. We'll start with question number one and let's start. Okay, hello friends. As sir said, I will cover the questions on GS section and English section. So I'm directly going to the question here. Question number one says, as on 1st of January 2024, who is the speaker of Assam Legislative Assembly? Here the answer will be C, it is Biswajit Daimari. Going to the next question, it is, yeah. In which of the following cash amount can be withdrawn? It is very easy. Every one of us do it, and it is, I hope you have chose the correct answer in the examination, and it is ATM here. The third one is That is on reasoning. After picking up his passenger at the office, the taxi driver drove 6 kilometers before he turned left. तो वैसे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं गायब हो गया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यह बोल रहा है कि यहाँ से कोई एक टैक्सी ड्राइवर 6 किलोमीटर वो यहाँ तक गया है, और फिर वो लेफ्ट टर्न लेके वो 8 किलोमीटर तक गया। तो वो बोल रहा है कि ऑफिस और इसमें यू नो ऑफिस और आपका ऑफिस और कौन सा क्या कुछ था मैंने किया था एयरपोर्ट, ऑफिस और एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना होगा। तो यह हमने ट्रिपलेट में हमने आपको बोला था 3, 4, 5 होता है, तो 3 का होगा 6, 4 का होगा 8, 5 का होगा 10, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विल बी योर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रघु सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ हिमाद्रीज मादा, हाउ इज हिमाद्रीज रिलेटेड टू रघु। ये वैसे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, तो यू नो टू मेक दिस वीडियो फास्ट हमने सोल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, तो आई विल प्रोवाइड यू द डायरेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा आपका मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 5, इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन एंड पंक्चुएशन मेनली। देर इज इन ग्रामर बुक यू मस्ट हैव सीन दैट देर इज अ चैप्टर पंक्चुएशन, एंड दिस इज वन ऑफ देम, punctuation marks that is given here. The question says, which of the following punctuation mark is missing in the sentence here? So the statement is, Rakesh suddenly said, last night I heard a fox howling. Here it is direct narration mainly. Rakesh suddenly said, up to this reporting verb we know, and the second part, the reported speech is, last night I heard a fox howling. So this is direct narration actually. So our correct option will be C here, double inverted commas. Question number 5 we have done. Okay, so again, question number 6, what is the antonym of slow? The options are fast, reverse, side, upwards. Slow, we know the meaning very well. So the antonym is asked here. So antonym of the word slow will be fast. Question number 7, what is the opposite of beautiful? Options are dirty, unruly, handsome, and ugly. So here the answer will be ugly. The other options are, for example, here dirty. Dirty is the antonym of
क्लीन डर्टी रूली अनरूली हैंडसम एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके अगेन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड पॉसिबल हियर वी सी दिस इज करेक्ट परमिशन इज करेक्ट प्रेशर इज ऑल्सो करेक्ट सो द रॉन्ग इनकरेक्टली स्पेल्ड विल बी पॉजेस हियर द पॉजेस करेक्ट स्पेलिंग इज POSSESS. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20 हमें आपके सामने लिख के रखा है सो देयर आर एट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20. ओके नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन द क्वेश्चन सेज व्हिच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड अगेन एक्सपर्ट इज करेक्ट वी कैन सी कारपेट इज करेक्ट Depart. Yes, this is incorrectly spelled. A puppet is correct. Okay, so answer will be C here. Next question number 11. When a number when increased by 11% becomes 777, the number is. तो मैं यहाँ पे आपका 100 ले रहा हूँ. तो 100 का 11% होगा 11. तो that is 111. तो मैंने मान लिया कि initial number मेरा 100 का और अगर इनिशियल नंबर मेरा 100 है और 100 का अगर 11% बढ़ेगा तो 111 हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा 111 का वैल्यू है हमारा 777. तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 7 और अगर आपका 1 का वैल्यू 7 है तो 100 का वैल्यू होगा 700. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम GS सेक्शन. मोरे मणिपुर इज ए रोड कनेक्शन point of India with which country? Here the correct option will be C. This one, sir. Okay. Question number 13. Which word of the following list is not a pronoun? We know he is a pronoun, she is a pronoun, they is a pronoun, but and is not a pronoun. It's actually a conjunction. Next one is, sir, math section. द सम ऑफ टू नंबर इज 12. दो नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 12 और दोनों नंबर का अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो यू आर गेटिंग 60. तो यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12. तो ए माइनस बी हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12. तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इज माई 5. तो आपका डिफरेंस बिटवीन टू नंबर पूछा तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज माई 5. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. Next one is again from English section. Okay, question number 15. Which language name is incorrectly spelled? Language name. A option is French here, but French is not a language. We know there is a country France, but the language of the country is French. But A is there, which is wrong. English is correct. Other two options are wrong. Portuguese, the spelling will be PORTUGUESE and Spanish here option will be, in place of E, it will be A. Next question, question number 16 says, where was the first capital of Ahom Kingdom established? We know it very well, it is Chiraidev. The last capital of Ahom Kingdom was Jorhat. Yeah. The next question, 17. Which of the following was not a ruling dynasty of ancient Assam? Maurya. It is pronounced as Maurya. Varman was there. Pala was there. Koch was there. But Maurya, option A, was not there. Okay, so our option will be A. Right answer will be A here. Question number 18. What is the next one? Yeah. What does fair in the sentence? Fair word is here. They played a fair match mean. So what does it mean? If I say they played a fair match, so definitely it means that they followed rules and regulations of the match. That is why the match became a fair one. So our option will be B will be the right answer here within the rules. Next question number 19. If the number this is doubled, then what would be the digit exactly at the middle of the result? तो आप इस नंबर को 2 से प्रोडक्ट कीजिए और मिडिल में कौन है देखिए. तो मिडिल में है आपका 6. तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका A. 19 राइट आंसर इज माई A.
Okay, question number 20. What type of horn is permitted in a vehicle in India? So the option, correct option here is B, sir, right? Yeah, electric horn. Next question, question number 21. It is from which section, sir? GS section. Okay. This one, 21. How long is an applicant required to wait to apply for driving license after he has obtained learner's license? So very interesting question. Definitely 6 months. Definitely 6 months. Once you apply for learner's license, after 6 months, it gets expired actually. And within this 6 months, we have to apply for driving license. No, actually, we got the answer ki as A, 30 days. I'll read the question once again. How long is an applicant required to wait to apply for driving license after he has obtained... I'm sorry. How long is an applicant required to wait to apply for driving license? I'm extremely sorry for that. Here, once you apply for learner's license, you have to apply for 30 days and then you can apply for main license. Actually, yeah. It's talking about the application. Like yes, that is the benefit of sitting together. Yeah. So the next one is question number 21 we have done. So 22 here, GS section. Which of the following is an output device? Speaker. Directly I'm saying the answer here. Speaker. Question number 23. What single word would mean the same as the base frame of a car or bus or any such wheeled vehicle? The correct option is chassis here. Actually, if I say about pronunciation, the last S is not pronounced here. So we say chassis, but it is not chassis, it is chassis. Okay, question number 24. The flag of which country is triangular in shape? It's Nepal. Question number 25. Who wrote Arthashastra? The correct option is Chanakya, who is also known as Kautilya, if I'm not wrong. Question number 26. It's yours, sir, I guess. Anyway, the numbers that cannot be expressed in the form of fractions are called... Irrational numbers, option D. Irrational numbers, okay. Question number 26 we have done, then 27. A man types at the rate of 45 words per minute. So 45 words wo type kar raha hai 60 second mein. So 1 word type karega 60 upon 45. So aapka bol raha hai ki 55 words kitne time pe wo type karega. So we converted it into second. सेकेंड में हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने इसको मिनट में हमने कन्वर्ट किया, तो ये हमारा 12 मिनट हमारा होगा, 12 मिनट एंड 30 सेकेंड, 12 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कुछ कुछ यूट्यूब चैनल ने 12 मिनट 20 सेकेंड दिया, जो कि गलत लग रहा है मुझे, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप क्लॉक चेक कर लेना एक बार, बट मेरा कैलकुलेशन से लग रहा है। नेक्स्ट 28, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई, ये तो कितना आसान है, इस नंबर को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका रिजल्ट 7777 हो जाए, देन राइट आंसर विल बी ए 7। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर सर, नेक्स्ट 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेज हु वाज द कमांडर ऑफ कोच किंगडम नारायण आर्मी, द करेक्ट ऑप्शन इज चिलाराई हियर। क्वेश्चन नंबर 29, ओके 30। Ojapali is a religious component of which region of Assam? Here the correct option will be Lakhimpur Dibrugarh region. Question number 31. What is the synonym of brake? Synonym of the word brake. If you ride or drive car or bike, definitely you use brake, right? So once you brake, our vehicle gets slow, right? नेक्स्ट इज योर सिंप्लीफिकेशन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पहले आपको ब्रैकेट का काम करना था, 4+2 इज माई 6, 6-6 इज माई 0, 18-5 इज माई 13, नेक्स्ट ऑप्शन सी। ओके क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर बनानास, कलेक्टिव नाउन फॉर बनानास विल बी बंच, वी ऑल्सो से बंच ऑफ कीज, ओके सो बंच ऑफ बनानास हियर, बंच ऑफ कीज ऑल्सो,
34. नेक्स्ट 2% ऑफ 3% ऑफ 5000, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन किया हुआ है, देन वी आर गेटिंग 3 एज द आंसर. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35, दिस वन. इन इंडिया अ व्हीकल इज ड्रिवन ऑन द क्वेश्चन सेज इन इंडिया ऑन विच साइड वी ड्राइव. सो द ऑप्शन द राइट ऑप्शन विल बी बी हियर, राइट सर? राइट ऑप्शन विल बी बी हियर. वी अच्छा लेफ्ट साइड ऑफ द रोड विद द ड्राइवर सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द व्हीकल. राइट साइड. ओके. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज 36. रीजनिंग सेक्शन 36. बस कुछ नहीं किया है और वर्ड को रिवर्स कर दिया गया और वर्ड्स को रिवर्स करके बोला कि फिफ्थ पोजीशन में कौन सा वर्ड होगा वो आपको बताना था. तो प्रोसेस को हमने उल्टा किया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो फिफ्थ में हमारा कौन सा वर्ड है? ओ वर्ड है. तो सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37. इन विच इवेंट नीरज चोपड़ा विन गोल्ड मेडल इन 2020 ओलंपिक गेम्स. इट इज ऑप्शन डी हियर, जेवलिन थ्रो. क्वेश्चन नंबर 37 देन 38 सेज फर्स्ट सीरियलाइज्ड ऑन सोशल मीडिया एंड देन पब्लिश्ड एज ए बुक लाइफ ऑफ ए ड्राइवर केबिन्स और आई पेयर. आई थिंक द प्रोनाउंसिएशन विल बी आई पेयर. इज रिटन बाय रूपम दत्त. सॉरी लेट्स टेक दिस 37. What does apple of one's eye mean? So the correct option will be B here, special favorite, beloved person or thing. The next one is maths. The place value of 2, तो place value 2, ये तो बहुत आसान था. 2 के बाद कितना digit है? 2 digit है, तो 2 के बाद आपका 2 zero आएगा. Option C will be the right answer. Question number 41. Which of the following should not be in the same group? Should not be in the same group. The correct option will be here. Eraser. Paper, pen, textbook. These all are almost same. Okay, come under same thing. Eraser is different. 42. Which of the following items is related to works by Sir Isaac Newton? Here the correct option will be A. It's rocket. Newton's third law of motion follows. Okay, 43. M value is my 13. S value होता है आपका 19. W 23 सही है. K का value 11 सही है. तो ये आपका incorrect है. तो match नहीं हो रहा है. तो option B will be the right answer. 44. Question 44 says, which of the following is the highest mountain peak? Highest mountain peak of India. The correct option will be Kanchenjunga. Kanchenjunga. Okay. Question number 45. The average of first 10 consecutive natural number. अगर 10 number का अगर आप addition करेंगे तो आपको मिलेगा 55. और आपको average निकालना है तो sum of all observation divided by number of observation. Number of observation मेरे पास 10 है. तो my answer will be 5.5. So that option is my C. Question number 46. Dangerous driving means. Dangerous driving means. The correct option will be here. Jumping a red traffic light. Okay. Violating stop line. Okay. Using phone. This is also prohibited. The correct option. All of them actually. The correct option will be D here. Any one of all three. What do you say here, sir? Dangerous driving means. Jumping a red traffic light. That can okay. be a dangerous driving. Violating stop means like line. Means not doing driving in a nice way. Okay. Using phone that is using illegal. Phone. So any one of all three. All three. Option D. We'll go with option D. Okay. Any one of them definitely will be there. Okay. Which of the following numbers has the highest digit in tens place? So tens place mein sabse highest, sabse bada wala number kaun sa hai? Tens place mein sabse bada wala number aapka 9 hai. Jo kaun se option mein diya hua hai? Option A mein diya hua hai. To option A will be the right answer. Next 48. Question number 48. How can you distinguish a transport vehicle from other vehicles?
The correct option here is registration number plates. Question number 49. Identify the combination similar to tire. Tire आपका round होता है और ये black होता है, ये mandatory है. तो ये आपका हमारे लिए थोड़ा confusion था हमारा, लेकिन हमने discussion team के साथ discussion करके यही हमारा result आया कि इसका आंसर होना चाहिए ब्रिक्स, जो आपका रेक्टेंगल होगा और ये आपका रेड होगा ब्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, नॉट मैंडेटरी. क्वेश्चन नंबर 51. Question number 51 says, which country is Hollywood in? Definitely, we know this. We watch Hollywood movies. So, correct option is A here, United States of America. Question number 52. Which of the following is not a region of Assam? Definitely, Deccan Plateau. Question number 53. The minimum educational qualification required for a bus conductor license in Assam is B, HSLC pass. Question number 54. Validity of driving license for drivers of goods vehicle carrying dangerous and hazardous goods is 3 years. Question number 55. What is generally considered as proof of casting vote? The correct option is here B. It is mark of indelible ink on fingernail or other body position. Mainly fingernail that is used. Question number 56 then. Okay. This is from English section. Fill in the blank. Raju, a person, space, his intention to contest in the next elections. So here it seems that Raju, a person who expresses his intention to contest in the next election. So wish will not be there. Declared will be the right answer here. Condition will not be there. Promise, no. Declared will be the right answer here. Next question number 57. आपके पास दिया हुआ है 1 to 10 का सम दिया हुआ है 55. तो आपसे पूछ रहा है कि 2 से लेके 11 तक का सम कितना होगा? तो 1 से लेके 10 तक हमें पता है. 1 से लेके 10 तक हमारे पास कितना पता है? हमारे पास पता है 1 से लेके 10 55. तो 55 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 66. लेकिन क्या हमें 1 चाहिए? नहीं सर, हमें 1 नहीं चाहिए. तो 1 को मैं कर दूंगा माइनस. तो माय वैल्यू विल बी 65. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. 58. क्वेश्चन नंबर 58. नेम द फर्स्ट स्वर्गदेव ऑफ असम. इट इज सुहुंगमुंग. नेक्स्ट इज योर ईयर ईगल. तो वाटर के लिए होगा आपका डक, मतलब ईगल आपका ईयर में मिलेगा और तो डक मिलेगा वाटर में. ओके. क्वेश्चन नंबर 60. ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइंस मार्क्ड ऑन रोड्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. पेडेस्ट्रियन मींस अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोड और ऑन द रोड साइड. क्वेश्चन नंबर 61. ओके. Which word would appear at the last in a standard English dictionary? तो जनवरी का J का वैल्यू 10, O में हमारा 15, D का वैल्यू 4, M का 13. तो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा जिसका वैल्यू लास्ट में होगा? तो 15 हमारा लास्ट में है. तो ये और इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर, जो डिक्शनरी में अक्टूबर सबसे लास्ट में आएगा आपका. 62. या The maximum age limit to obtain a driving license in India is age number. Maximum limit. Minimum limit is 18. Yeah, maximum limit. But I know that after 40 years, license is not provided. I don't know. I'm not sure. Okay. This is not our concern. Now here, option is D. Question number 63. Name the punctuation mark. See, so many marks are there. First of all, this, then again full stop. But we have to find out the exact punctuation mark that is given here. So mainly this punctuation mark is talked about here. So it is colon B. Actually, question is not clear, I guess. Name the punctuation mark. The punctuation mark, this one actually, this one.
अच्छा लास्ट लास्ट वन इज फुल स्टॉप दिस इज इनवर्टेड कॉमास एंड दिस इज फुल स्टॉप सो मेनी मार्क्स आर देयर सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली गॉट कंफ्यूज्ड विद इट आई गेस दिस इज सिंगल इनवर्टेड कॉमास ओके दिस इज द मेन मार्क हियर again the inverted comma is closed then is full stop full stop okay. so many marks are together I thought it as a triangle no this is our main concern so our option is colon this is called semicolon dot then comma under this is semicolon question number 64 identify the word which cannot be made kaun sa word aapka nahi banega that was your question to ye ho jayega hamara diff to yahan pe lemonade mein aapka f nahi hai to aap diff word nahi likh sakte ho आपको ये बताना था कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा दैट वाज योर क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट 65 ये तो बहुत आसान था वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू फिर उसके बाद हमारा वन माइनस वन बाई थ्री ये हमारा हो जाएगा टू बाई थ्री नेक्स्ट थ्री बाई फोर कैंसिल आउट होगा वन बाई फोर विल बी द राइट आंसर Question number 66. The maximum punishment for drunken driving as first offense is here. The correct option is C, right, sir? C, 10,000 fine and up to 6 months imprisonment. Question number 67. Which of the following states does not share borders with Assam? Nagaland shares, Mizoram shares, Tripura shares, Bihar, which does not share its border with Assam. Question number 68. A yellow card number plate on an Indian vehicle indicates commercial vehicle. Question number 69. This is your section. Seven mangoes cost 91. Then the cost of 3 mango. So 7 ka dam 91. So 1 ka dam ho jayega hamara 13. और तीन का हमारा हो जाएगा 3 × 13, 39 तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 में आपका बोल रहा है कि कोई एपर्सन परचेजेस अ डिफेक्टिव आइटम 1500 से उसने लिया है और रिपेयरिंग में उसका 900 लगाया तो जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगेगा वो आपका सीपी में जाएगा और फिर उसमें टैक्स दिया है आपका 100 रुपीज़ का तो उसका टोटल खर्च हुआ है आपका 2500 तो दैट इज़ योर सीपी और फिर इसका उसने कितने से बेचा है 5000 से बेचा है तो ये हमारा हो जाएगा 5000 एसपी तो अगर कोई चीज़ अगर आप 10 रुपये से बेच रहे हो और अगर 20 रुपये में अगर आप बेच रहे हो तो डबल दाम में अगर आप बेचोगे तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट होगा 100% ये शॉर्ट ट्रिक है याद कर लेना हमने ये क्लास में कराया वो क्वेश्चन है तो ये 100% डायरेक्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर डबल दाम से अगर आप बेच रहे हो तो फिर उसके बाद व्हाट वुड कम एज द नेक्स्ट करेक्टर आफ्टर दिस तो ये बी ई जे क्यू बी का वैल्यू 2 ई का वैल्यू 5 जे का वैल्यू 10 क्यू का 17 3 बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है आपका 7 बढ़ेगा फिर 9 बढ़ेगा 17 + 9 26 26 का वैल्यू होगा हमारा जेड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कामरूप किंगडम The correct option is here, Pragjyotishpur. Question number 73. Lohri and Baisakhi are commonly celebrated in which state? It's Punjab. Question number 74. Okay. Which color of paint is prohibited on vehicles except defense vehicles? The correct option is olive green. 75 When are the elections for Lok Sabha generally held? It is every 5 years. Question number 76 Okay, that is again a confusing questions और यहाँ पे काफ़ी आंसर गलत आया हुआ है YouTube हमने चेक किया है तो यहाँ पे बोल रहा है राकेश इज टॉलर देन सुबोध राकेश आपका टॉलर है सुबोध से ठीक है देयर फ्रेंड अतानु इज द ओनली वन टू बी इन द बास्केटबॉल टीम दैट रिक्वायर्स प्लेयर्स हाइट टू बी 6 feet एबव बोल रहा है इन दोनों का कोई एक फ्रेंड है अतानु बोल के कोई एक फ्रेंड है जो फ्रेंड आपका 6 feet से ज़्यादा है ठीक है 6 feet से ज़्यादा है अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में
अकॉर्डिंग टू द हाइट हु इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो आप, राकेश और सुबोध जो है, राकेश बड़ा है सुबोध से, इतना हमें समझ में आ रहा है, लेकिन राकेश का हाइट और सुबोध का हाइट कितना है हमें वो नहीं पता चल रहा है। जबकि इनका हाइट हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये आपका अतानु राकेश के सामने जाएगा कि आपका इसका सुबोध के सामने जाएगा। हमें वो क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, हमें वो उसका पोजीशन भी हमें नहीं पता है कि वो किसके आगे जाएगा किसके पीछे जाएगा, हम क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेंड तो है लेकिन इनका जब तक हाइट हमें ना पता चले तब तक हम इनका हाइट कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब हम इनका हाइट कंपैरिजन नहीं कर सकते तो हम ये नहीं बोल सकते कि मिडिल पोजीशन में कौन है। इवन ये गूगल में भी आंसर गलत दिया हुआ है, और गूगल का आंसर बाकी यूट्यूब भी फॉलो करके वो भी गलत दे रहे, लेकिन हम भी गलत हो सकते हैं। अब भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आई विल गो विथ ऑप्शन डी, कैनॉट बी डिटरमाइंड। आई विल गो विथ ऑप्शन डी, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन के साथ जाना बड़ा टफ होता है, नॉन ऑफ दिस कैनॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए कोई रैंडमली कोई बाकी ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेता है। बट मैं थोड़ा इसमें रिस्क लेना चाहूँगा, बाकी आप बेटर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन अगेन, मार्क द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट। Essential is incorrect, no. Essential, no, again, no. This part is totally wrong. Essential, no, again. The correct option is D here. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L. Question number 78. The song Poka Dhanor Maje Maje was written by Rudra Barua. Question number 79. Which word in the following sentence is an adverb? The tiger is running faster. The tiger is running faster. Adverb, right? So, tiger is noun. Okay, the is an article. Running, no. Here it is used as verb. So correct option is faster. An adverb actually qualifies a verb. How the action is done. Question number 80. Pongal is a winter folk festival primarily of which state? The correct option will be A, it's Tamil Nadu. Question number 81. Which of the following communities of Assam features prominently in Rita Chowdhury's novel? Novel is Deo Longkhui. Correct option is this one, the Tiwas. Okay, question number 82. The number plate of an electric vehicle EV in India is colored green. Question number 83. Your take, the sir? Smallest fraction amongst these. तो ऐसे हमने ये 4x5 कैलकुलेटर यूज करके हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखा 4x5.80.83.85.87। वैसे हमने यह शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि अगर डिफरेंस हमारा 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर आपका 1 है तो जो फ्रैक्शन देखने में जितना छोटा होगा वो ओरिजिनली इतना ही छोटा होगा, और जो देखने में आपका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ये एक सेकंड का क्वेश्चन था, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम जा सकते थे। डिफरेंस अगर न्यूमरेटर और डिफरेंस का सबका डिफरेंस अगर सेम है तो जो फ्रैक्शन छोटा है तो वो ऑब्वियसली वही सबसे छोटा होगा, तो विल गो विथ ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट आगे आप देखिए, आगे आपका क्या है 84 अगेन। 84 द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द रिकरिंग नंबर, ये तो आपको 0.222 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मतलब 0.2 के ऊपर बार लगेगा। हमने शॉर्ट ट्रिक में बोला था 2 के ऊपर बार लग रहा है, तो इस 2 के ऊपर बार लग रहा है तो 2 हम ले लेंगे पूरा का पूरा, 2 के ऊपर बार है तो इसलिए 9 नीचे आएगा, 2/9 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। Okay, question number 85. What is presently the minimum age to be eligible for voting in the general elections of India? That is very easy one. It is 18 years required to become eligible to vote. Question number 86. Which of the following scale is used to measure earthquakes? It's Richter scale. Question number 87. Your take, sir.
ओके, दैट इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन. यू नो फॉर ड्राइवर लेवल क्वेश्चन दिस कैन, यू कैन टेक इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. हमें बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के. बबली वॉज बॉर्न ए ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, मतलब बबली का जन्म हुआ शादी के एक साल के बाद. एट प्रेजेंट बबली इज 6 years ओल्ड, आज बबली 6 साल की है, तो ऑब्वियसली शादी का 7 साल हुआ है. ठीक है, शादी का आपका 7 साल हुआ है. बबली आपका 6 साल का हुआ है. ठीक है, एंड हर फादर इज 25 years ओल्डर देन हा. फादर इज 25 years ओल्डर है, मतलब 25 साल बड़ा है, तो ऑब्वियसली इनका एज आज कितना होगा, 31. और वाइफ आपका 2 साल का छोटा है, तो वाइफ का हो जाएगा 29. ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है एट व्हाट एज डिड बबलीज मदर गॉट मैरिड. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फादर और मदर का एज कितना है, दैट वी गॉट. बट यू नो आपका वो एज नहीं, वो आपका वो नहीं पूछा, फादर एंड मदर का एज नहीं पूछा है. पूछा है कि मदर का शादी के टाइम में कितना एज था. तो शादी का हो गया 7 साल, अभी है 29, तो उस टाइम पे कितना था, 29 - 7 = 22. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. अगेन ये भी बहुत लोगों ने कैनॉट बी डिटरमाइंड के साथ गया है, दैट इज़ अगेन रॉन्ग क्वेश्चन. हमने यूट्यूब में भी सर्च किया और गूगल में भी सर्च किया, तो ये गलत लगा. वी आर गोइंग विथ ऑप्शन ए, बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना. ओके, क्वेश्चन नंबर 88 अगेन. द कॉम्पेंसेशन फॉर हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट केस रिजल्टिंग इन डेथ इज, ऑप्शन बी ₹2 lakhs. After 88, question number 89. Again, find the odd one out. तो ये भी even है, ये भी even है, ये भी even है, that is odd. आप इस कौन अप्रोच के बेस साथ जा सकते थे, और ये एक अकेला ऐसा नंबर है जो आपका 3 से डिवाइड जा रहा है, तो that is being odd one out from the rest. तो we'll go with option D. Question number 90. Who of the following was amongst the first disciples of Srimant Sankardev? Madhavdev, we often hear this word. Question number 91 से आपका बाहर आएगा आपका 11, 81 से आएगा आपका 9, 25 से आएगा 5. तो राइट आंसर इज योर 25. विल गो विथ ऑप्शन सी. नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड कम फर्स्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ऑब्वियसली सी वेलू इज माई 3. तो आपका पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड कम फास्ट इन, पहला कौन सा आएगा, तो विल गो विथ ऑप्शन डी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. क्वेश्चन नंबर 93 फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन. ओके, विच वर्ड इज द सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग. ओके, विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेंज. ऑप्शंस आर एबनॉर्मल, कंप्लीट, स्ट्रांग, परफेक्ट. सो स्ट्रेंज द करेक्ट ऑप्शन विल बी एबनॉर्मल. The next one is 94. A piece of land surrounded by water on 3 sides is called peninsula. Then the next one is each angle of an equilateral triangle. Equilateral triangle sub angle आपका बराबर होता है, तो हर angle आपका कितना degree का होगा, आपका 60 degree का होगा. We'll go with option B. Okay, after 95, it's 96 from English section. Identify the article in the man was walking fast. Articles are A and D, we know it very well. So D will be the article here, option D. The next one is yours. No, again it is a DS question actually. Okay. 97. By just seeing the numbers, I'm afraid of it. Okay, the penalty, 97. The penalty for driving at excessive speed by a light motor vehicle driver is option A, 1,000 to 2,000 rupees. After 97, question number 98. Find the correct sentence. Options are, please listen to what I am saying. Please listen what I am saying. Directly, I'm going to the answer here. The answer is A, please listen to what I am saying. We know after the word listen, to preposition is used. So, option A is the right answer here. Next, again, is your question number 99. Perimeter of a rectangle is 34. Perimeter आपका 34 दिया हुआ है, तो perimeter of rectangle formula use करेंगे, then we are getting length plus breadth is my 17, और दोनों का difference अगर आप सब पूछा है, length is longer than breadth by 7, तो length minus breadth हो जाएगा हमारा 7.
तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो लेंथ आएगा हमारा 12, ब्रेथ आएगा हमारा 5। क्वेश्चन पूछा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 60। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी आर गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेटली इट इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देन क्वेश्चन नंबर 101, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। 101 इज डन, सो 102, ओके, Who was the commander of Mughal army that was defeated by Lachit Barfukan at Saraighat? The correct option is D here, Ram Singh. 102 we have done, then 103, okay. That is again a doubtful question. ये doubtful इसीलिए हुआ क्योंकि ये पहला option आपका 4 देके काफ़ी you know doubtful था, फिर हमने Google से हमने cross check किया and then we are going with 20 and 24, 103 option B. ये थोड़ा सोल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा डाउटफुल है, बट अगेन वी आर गोइंग विथ ऑप्शन बी। इसके बाद फिर है आपका डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हमारा है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये हमारा है, और दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा, 1, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद हम आगे जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 105, After how many days must a newly registered vehicle renew the pollution under control certificate? Pollution under control certificate. It is 1 year. For new vehicles, it is 1 year. But after 1 year, after every 6 months, you have to do it. 106. To drive a transport vehicle, an applicant must have a light motor vehicle driving license at least for how many years? It is 1 year. B will be the right answer. Question number 107. Which of the following places has the largest cricket stadium? It is Motera. This one, right? Motera will be the right answer. Option C. 108. Who found the sea road to India from Europe? The correct option will be Vasco da Gama here. This one will be the right answer. 109. Which of the following is a union territory of India? The correct option will be A, Jammu and Kashmir. Just a few years back it was formed. 110. Which of the following is not the name of continent? Not the name. We know North America is a continent, South America is also a continent, Antarctic is also a continent, but this one, Arctic, is not a continent. 111. This one. Which of the following equipments is mandatory for petrol vehicles of India? The correct option is catalytic converter. Option C will be the right answer. 111 we have done, then 100 and oh, so many languages are there. 112, is it yours? Yeah. The factor by which a decimal number is to be multiplied to shift the decimal point by 3 digit to the right is, वो right में जाना, उसको right में लेके जाना है, अगर आप right यहाँ जैसे इस position से लेके इस position में लेके जाना है, तो 3 position अगर आपको shift करना है तो 3 0 से आप multiply करोगे, then we are going with option C. सेम टाइप का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आगे पूछा है। 113. अस्मिता चलिहा प्लेज फॉर इंडिया इन विच स्पॉट? ऑप्शन विल बी बैडमिंटन। 113 देन 114 अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। दिस 3 आर नॉट कॉन्टिनेंट्स। Question number 115, yours. By what factor a decimal number is to be divided so the decimal point shift by 2 digit to the left? तो left पहले right में जाना है तो product करेंगे, left में आना है तो divide करेंगे।
तो दो पोजीशन लेफ्ट में आना है, तो दो जीरो के साथ हम डिवाइड करेंगे, देन वी आर गोइंग विद ऑप्शन सी, तो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, हमारा आंसर आ रहा है 0.25116, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 117, ए पर्सन परचेज इज अ डिफेक्टिव आइटम फॉर ₹5900 एंड रिपेयर्स इट फॉर 100 एंड सेल्स द आइटम फॉर 1800, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, तो आपने कोई चीज़ अपने 900 से लिया है, एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ इसमें लगाया, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 1000, ठीक है। फिर उस वही चीज़ को अगर आपने 1800 से अगर आपने बेचा है, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 800 कितने में से, 1000 में से, तो 800 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो यू आर गेटिंग एज 80% एज योर नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 118, सर इट्स ऑल योर्स। 118, व्हिच कंट्री वाज विंस्टन चर्चिल अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड किंगडम। 118, देन 119, द सेम question was there in graduation level. Yeah. Which of the following is a proper noun? Okay. Proper noun is here Pacific Ocean. Okay. Option D is the right answer. Again, 120. 2 weeks from now, 2 weeks from now, the festivals would start. Identify a single word substitution of the underlined phrase. We know 2 weeks equal a fortnight. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 169, दैट इज़ योर ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 13, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आप आगे आ जाइए, 122, सर इज योर, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर डांसर्स, अ कलेक्टिव नाउन फॉर डांसर्स, करेक्ट ऑप्शन इज हियर ट्रूप, ए विल बी द राइट आंसर। The other three options, I am not going for the explanation here. Question number 123, identify the conjunction in the sentence here. Conjunction means a word which connects two parts of the sentence. Here, Rakesh is a noun, Shivam is a noun, and the word that connects both the parts of the sentence is and here. So, and is conjunction, it is option D here. So, option D will be the right answer. And next is 124, the 2020 Summer Olympic Games was held in which country? The correct option is here, Japan. Japan will be the right answer. 124, then 125. Okay. The place value of 5 ka place value pucha hai, to 5 ka ke baad kitna digit hai, 3 digit hai, to aapka 30 aayega, C will be the right answer. Question number 126, who amongst the following led the 1857 rebellion against East India Company, 1857 Sepoy Mutiny actually, Rani Lakshmi Bai. Sepoy Mutiny took place in the same year. Question number 127, identify the correctly spelled word. You have to find out the word which is correctly spelled. Correct spelling is there. Traffic single, no? Traffic signal, no, traffic signal is the right answer. The other one is traffic, no, single F is there. So option 3 is the right answer. Option C. C, sorry. Next one is, again, 128. Which of the following is not mandatory for a commercial vehicle in Assam? The correct option is night driving permit. Night driving permit is not mandatory. 128, then 129. What are red and blue lights used in ambulances? The correct option is here, A, to alert all drivers, even those with color blindness. Question number 130 is, what does get out of hand mean? It means it is not under your control, it is out of your hand. So definitely to become uncontrollable, C is the right answer. To get out of hand, to get lost, another option is there. But to actually, me, it option seems... Option C seems better explained. It seems the more appropriate to one. To get lost means, ab bhaag jaiye yahan se. Get out of hand matlab wo mere control mein nahi hai. Out of your control. Matlab mera ladka out of hand ho gaya.
So to become uncontrollable. This one seems the right answer here. Seems better, sounds better. Yeah. Actually. 131, fill in the blank. Pradhan is a driver. We have to fill the gap here with the appropriate word. Options are good, better, expert, best. I heard that some of the students even asked me that they put expert there in the blank space, but this is not the correct answer. The grammar here is, it is a word which begins with a vowel sound, but the article that is given here is a. So it does not suit here. Okay, so better again is a comparative degree. We are not comparing anyone here, so this will not be there. Best is superlative degree, and before superlative degree the article is used, but only one option is left here, and that is good. Okay, good will be the right answer there. This is the right answer here. Next is your 132. आपको HCF निकालना था, तो HCF निकालने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 आपका तीनों नंबर में डिवाइड जा रहा था, तो मैंने 2 ले लिया. 3 हमारा तीनों नंबर से डिवाइड जा रहा है, तो 3 ले लिया. ये 2 और 4 ऐसा कोई नंबर है नहीं है जो तीनों नंबर में डिवाइड जाएगा, तो यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक वी आर गेटिंग 2 × 3 = 6, तो 6 इज द HCF. वैसे आप बाई ऑप्शन भी ट्राई करके देख सकते हैं. क्वेश्चन 133. Who presents the Union Budget of India? Union Budget of India. It is Finance Minister, and he or she does it. 134. It is yours? No, no. Twitter. Okay, fine. The new name for Twitter. Okay. The new name for Twitter is X. This is the right answer. 135. In which country did Mohandas Karamchand Gandhi stay before coming to India? South Africa, everybody knows this. He served there for a few years. Next is your 136. Actually, ये class 11 का question है, concept है, arithmetic progression, जिसमें last year graduate level का question आया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया ये कौन से एंगल का ये ड्राइवर पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन बना. वैसे ये ग्रेजुएट लेवल का है तो शायद इसीलिए होगा, बट चलो ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यस. तो कोई एक सीक्वेंस बोल रहा है जो आपका -2 से आपका स्टार्ट हुआ है और आपका 3-3 करके बढ़ रहा है, तो आपका 10 नंबर में कौन सा नंबर होगा ये आपको निकालना था. तो पहला नंबर इज़ माई A1 और फिर डिफरेंस हमारा 3. तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं A(n = a+n-1)(D). A मतलब फर्स्ट टर्म इज माई -2, n वैल्यू इज माई 10, 10 - 1, d इज माई 3. तो यूजिंग दिस कैलकुलेशन वी आर गेटिंग इट एज 25. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. आई एम वेरी श्योर कि शायद इस पेपर में कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन वी आर ह्यूमन और ह्यूमन एरर होना वेरी ऑब्वियस. 137, सर, that one that we discussed actually, to be very honest. Oh, okay. Uh-huh. Identify the item which is not of same type. That is not, we are not sure about this actually. Yeah. If we say honestly. Honestly, हम बाद में comment में गाली सुनने से अच्छा है कि यहाँ पे आप publicly बोले. यहाँ पे हमने cross check किया है और Google में आपका answer, actually we are confused between payment and price. Yeah. और अगर हम किसी एक को अगर हम चूज करना चाहते हैं देन वी विल गो विथ ऑप्शन ए, पेमेंट. ठीक है, पेमेंट के साथ हम जाना चाहेंगे, बट दैट इज़ नॉट ऑफिशियल येट, तो इससे अच्छा हम स्किप कर दें. बट हम गूगल में पेमेंट दिखाया तो, बट दैट इज़ नॉट, इफ दे नो द आंसर आई रिक्वेस्ट देम टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, दैट इज सो दैट वी आल्सो कम टू नो अबाउट. ओके, दैट इज बेटर. We are making the video does not mean that we know everything. Huh? Not at all. Never, even we are learning every day. Never. इतना तो हमने सीख लिया है वीडियो बनाने से कि किसी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो leave them. हाँ, है ना? I feel the change. Exactly. The video that got viral actually. We got 300. And now that we are doing. हाँ. We are learning every single day. We are the teacher. Doesn't mean that we are the machines or we are the robots. Not at all. We are learning every single day. We are making mistakes. And we are definitely learning from the mistakes only. Definitely. So we made mistakes where we felt really sorry for this, and we are improving. And I am very hopeful ki ye to 100% to better nahi hoga, that is sure, but 1% improve hoga, that is sure. Exactly. Last video se 1% improve hoga, that is sure. We are improving with you. Exactly. And with your suggestion we are improving, and thank you so much for your suggestion. Yeah. We are not taking anyone's blame, you know. Never. We are not blaming anyone ki aap aisa comment kar rahe ho, aisa bol rahe ho, bilkul bhi nahi sir. We are taking every single comment in a positive way. Positive way. Exactly. In a positive way. You are doing it for us. And that comments are making us better. Exactly. Every day.
So the 138th question is, identify the antonym of worst, opposite word here. Worst, if I say, actually bad, worse, worst. So it is superlative degree used here. So I have to choose a word which is a superlative form. So better is comparative, good is positive, fantastic is positive, and best is the superlative degree here. Good, better, best, superlative degree. Question number 139, choose the correct option. Teacher, blank space, Pooja for her bad handwriting. Teacher scold, I cannot say. Teacher scolding, I cannot say, because ing is there. So to make it, if I say this word will be there, but before that, we have to use one auxiliary verb here. So again, scolder, we cannot say. So teacher scolded, simple past tense will be there. So option C will be the right answer. 140, the armies of East India Company defeated Siraj-ud-Daula at which battle? The correct option is here, Battle of Plassey, which in Bengali we say Palashir Juddha. Okay, question number 141, this one, 141. Which pronoun can be used? Pronoun can be used to refer to your friends. Third person's plural number, running at a distance. This is first person plural, third person singular number plural. That will not be there again, third person. Okay, so they for third person plural number, the pronoun that is used is they here. 142nd is yours, I guess. Is it? No. Okay, driving section. Maximum speed limit for motorcycles on municipal roads in Assam is 50 km per hour. D will be the right answer here. We are almost towards the end. Question number 143. In which sport did Deepa Karmakar represent India? The correct option is C here. It is gymnastics. Question number 144. Which of the following is the article in our instructor asked us to push the car? We have to find out the article here. A and the. So the, where the is used? The is here. So option A will be the right answer. My comfort zone here. Okay, next one, 145. The Bardubi Tilinga Mandir is near which town? Question number 145. Bardubi Tilinga Mandir in near which town? It is Duliajan. Option D will be the right answer. Question, only 5 questions left. Have patience. Okay. The sum of the angles of a quadrilateral. Quadrilateral में आपका चार angle होता है, चार का sum हो जाएगा आपका 360 degree. Okay. It is from degree section actually, grammar. Which of the following is correct? You have to find out the positive degree, then comparative, then superlative. Let's check the options here. Good, better, best. Good, gooder, no. Better, better, or bettest. No. Best, bester, but no, never. A will be the right answer. Good, better, best. Bad, worst, worst. 148. John Key and Penny are characters of a story based on which community? Here, missing will be the right answer. C, option C, missing will be the right answer. Only 2 questions left now. Question number 149. The triangular shape, is it yours? No. Okay. The triangular shaped traffic road. Triangular shaped traffic road sign falls in the category of cautionary. Okay. Cautionary, option C will be the right answer. The last one. Okay, you bind up, sir. Like, take the 150th question. Yours. I will take the 150th question. You bind up your section, like your part. What should I say here? In the first video that we made on the questions or on the exam of graduate level, so much love, so much support they have shown towards it. I hope in the same video on this one that we are making now, you also will do the same. And
We have tried our level best to provide you the right answers. But again, mistakenly, unintentionally, if we do any mistake here or if you have done any mistake here, please consider it. And if you know some of the questions, one or two questions, I remember we left there for you people. Okay, so if you know this answer, if you know the answers of those questions that we left out, please mention it in the comment section so that we will also be sure about it. You please conclude. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us. You are really working very hard, you know. Actually, sir, itne comfortable nahi the for the first time, but main ye cheez shayad bolna mere liye theek nahi rahega. Shaleem sir, matlab hai na, nahi sir, I should say this. और ये आपके सर आपके सामने एग्जांपल है. शलीम सर आने के बाद ही वीडियो वायरल हुआ. मेरा लाइफ में पहला वीडियो था. नहीं नहीं सर, आई एम वेरी ऑनेस्ट सर, यू कैन क्रॉस चेक ऑल माय वीडियोस. मतलब शलीम सर वीडियो में आने के बाद ही पहला वीडियो ऐसा था जो 3 लाख क्रॉस हुआ. इवन इफ आई एम लाइंग समवेयर, आप हमारा टाइम जोन चेक करके सर आप देख सकते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस. और हमारे टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू नो, तक यू नो वी आर गिविंग आवर बेस्ट. हमारे टीम, हमारे स्टाफ, हमारे टीचर्स, यू नो, एवरीवन इज़ वर्किंग सो हार्ड फॉर यू एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट. यू नो, यू आर मोटिवेटिंग अस, यू आर गिविंग योर सपोर्ट. एंड समवेयर सम टाइम वी मेक मिस्टेक्स. बीइंग अ ह्यूमन, मेकिंग मिस्टेक्स इज़ वेरी ऑब्वियस. डू प्लीज़ पार्डन अस एंड वी नीड योर असिस्टेंस, वी नीड योर सपोर्ट. एंड यू नो, टू रीच दिस फैमिली टू ए ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस, आई नीड योर सपोर्ट टू, यू नो, share this video to your friends, to your groups, so that maximum people can join this series. Okay, I am you know taking your 150th question. So bol raha hai ki 12 mango ka price hai aapka 300, to ek ka dam ho jayega aapka 25. 15 apple ka price hai 450, to ek ka price ho jayega aapka 30. To bol raha hai ki 4 mango aur 3 apple agar aap loge to kitna lagega. 4 into 25 is my 100 and 3 into 30 is my 90. To total hamare pocket se jayega 190. So thank you so much everything for thank you so much everyone for everything, you know, what you do for us. And I'll wind up here and I wish you all the very best. Aur abhi achar thank you likh deta hu yahan pe. To abhi hamara, you know, please encourage us. Your encouragement really motivate us. To abhi hamara grade 4 ka regular classes shuru ho jayega hamara app mein. Zahirul sir, अगर आप हमारे यू नो प्ले स्टोर में, सॉरी, अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो जहीरुल सर से नाम से ऐप मिलेगा. वहाँ पे सारा का सारा स्टडी फ्री में मटेरियल दिया हुआ है, आप ले सकते हैं. ऐप में ऐप इसी नाम से दिया हुआ है, आप ऐप ज्वाइन हो सकते हैं. और आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसी नाम से ही यूट्यूब चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, आई विल टेक यू लीव. एंड वन मोर थिंग फ्रॉम माई साइड, सम ऑफ यू आस्क्ड मी टू मेक द वीडियो इन हिंदी और बंगाली. For your kind information, let me say I'm not very much comfortable in Hindi, so I didn't speak in Hindi. So please do consider me. I wanted to speak in Bengali and English, obviously. But again, sir told me that if I speak in Bengali, so the other people, Varakvili people from Varakvili, they will understand. But if anyone watches from Brahmaputra Valley, they will not understand it. So I had to speak in English. Please don't take it otherwise. ओके, वन मोर थिंग, यू नो, बहुत सारे कमेंट्स हम देखते हैं कि यू नो आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं बट वाई वाई मेकिंग इट इन हिंदी. सर, ये ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता है टू बी ए टीचर. लाइक यू नो, कभी हमें वो एक आसामीज लैंग्वेज का एक्सपोजर हमें नहीं मिला है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ऐसा यूट्यूब वीडियो में मैंने या फिर लाइव क्लासेस में नहीं बोला. दैट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर मी. आई एम नॉट बीइंग प्राउड ऑफ इट. आसाम में रह के आई एम नॉट मेकिंग वीडियो इन आसामीज एंड दैट इज़ नॉट अ प्राउड थिंग फॉर मी. दैट इज़ अ शेमफुल फॉर मी. एंड यू नो आई एम लर्निंग, यू नो, इन फ्यूचर येस आई विल मेक इट इन आसामीज, बट एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, आई एम, यू नो, आई एम कम्फर्टेबल इट इन मेकिंग इट इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो प्लीज़ डू कंसिडर फॉर दिस. बस यहाँ पर आके आप, यू नो, थोड़ा वो इमोशनल हो जाते हैं, यू नो, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं इस सेंस में कि यू नो आसामीज है तो आसामीज ही में बोलना पड़ेगा. बाकी आप हिंदी का लेक्चर्स, हिंदी का ट्यूटोरियल आप जब वहाँ पे जाके देखते हैं, जब नेशनल चैनल होता है वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे. ओबियसली दैट इज़ ए फैमिली, हम एक ही जोन से है तो दैट बोलना इज़ वेरी ओबियस, यू नो. बट इट्स ऑल ओके, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू एवरीथिंग. थैंक यू, टेक.